हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा टैंक। मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ आंख और कान के एक ड्रॉप के बारे में, जिसका नाम है सिप्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप। आंख और कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर इस ड्रॉप को डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, इस ड्रॉप की क्या कॉन्टेंट्स है और इसकी यूजेस क्या है, इस ड्रॉप की क्या डोसेस है, इसकी प्रिकॉशंस क्या है, इस ड्रॉप की क्या क्या साइड इफेक्ट्स है, इसकी प्राइस कितनी है और कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करता है, ये सब बातें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करता हूँ एक छोटा इंट्रो के बाद। दोस्तों, सिप्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप सिप्ला लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। इस ड्रॉप की अगर एमआरपी की बात करें तो 10 ml की ऐसा ड्रॉप अराउंड 18 rupees में आपको किसी भी केमिस्ट शॉप में आसानी से मिल जाएंगे। इस ड्रॉप की अगर कंटेंट्स की बात करें तो इसमें रहता है सिप्रोफ्लॉक्सेसिन हाइड्रोक्लोराइड 0.3% वेट बाई वॉल्यूम, यानी इस 10 ml के ड्रॉप में 0.03 ग्राम सिप्रोफ्लॉक्सेसिन रहता है। दोस्तों, इस ड्रॉप में 0.01% बेंजलकोनियम क्लोराइड भी रहता है, जो एज ए प्रिजर्वेटिव कम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस ड्रॉप के यूजेस के बारे में। दोस्तों, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन एक एंटीबायोटिक क्लास की दवा है। इसके काम है बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना और बैक्टीरिया को नाश करना। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन डीएनए गाइडेंस नाम की एक बैक्टीरियल एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन रुक जाती है और बैक्टीरिया खत्म होने लगते हैं। दोस्तों, इस ड्रॉप को आंख लाल होने पर दिया जाता है, आंख में खुजली या चुभन होने पर भी इस ड्रॉप को दिया जाता है, आंख में सूजन आने पर भी इस ड्रॉप को दिया जाता है, कॉर्नियल अल्सर में भी डॉक्टर इस ड्रॉप को प्रेस्क्राइब करते हैं, कान में फूरे फुंसी होने पर या पेन होने पर डॉक्टर इस ड्रॉप को प्रेस्क्राइब करते हैं, कान में खुजली होने पर या कान से पानी निकलने पर भी इस ड्रॉप को दिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सिप्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप की डोसेज के बारे में। मगर इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे अगले कोई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियोस को देख पाए। दोस्तों, सिप्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना इस ड्रॉप को ना ले। आप इस ड्रॉप को हर 6 घंटे में 2 ड्रॉप करके यूज कर सकते हो, यानी पूरे दिन में आप इस ड्रॉप को 4 बार ही यूज कर सकते हो। इस ड्रॉप को अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से शेक जरूर करें, ताकि सॉल्यूशन अच्छी तरह से मिक्स हो पाए। कभी भी इसकी डोज को स्किप ना करें। इस ड्रॉप की कोर्स को हमेशा कंप्लीट करें। इस ड्रॉप की अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो बहुत कम लोगों में ही इस ड्रॉप को लगाने से कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। जैसे कुछ लोगों में नौजिया होते हैं, नौजिया का मतलब है उल्टी होने से पहले जो उल्टी वाला फीलिंग आता है उसे ही नौजिया कहते हैं। कुछ लोगों को उल्टी भी होते हैं, कुछ लोगों को लगाने वाला एरिया में रैशेज दिखाई देते हैं, इचिंग, स्वेलिंग, यह सब प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। अगर इस ड्रॉप को अप्लाई करने पर आपकी फेस या माउथ पे स्वेलिंग दिखाई दे या आपको मसल पेन होने लगे तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करें। इस ड्रॉप को हमेशा बच्चों से दूर रखें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं इस ड्रॉप को लेने से पहले डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। सिप्लॉक्स आई ईयर ड्रॉप का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को अपनी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको किसी दूसरे मेडिसिन की रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बाय बाय।